बात अगर राजस्थान की जाए तो बीजेपी की तरफ से स्टार प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां काफी सभाएं की, लेकिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बीते 30 दिन में 27 से ज्यादा यात्राएं और सभाएं यहां पर की, या यूं कहा जाए कि राजस्थान के स्टार प्रचारक बीजेपी के लिए खुद मुख्यमंत्री बने रहे। शायद इसके पीछे भाव है जिम्मेदारी का, वो जिम्मा जो राजस्थान से 25 की 25 सीटों पर कमल खिलाने का। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस वक्त मेरे साथ हैं चुनाव के बीच से अपने अमूल्य वक्त को निकालकर एबीपी के दर्शकों के साथ। मुख्यमंत्री जी, आपका एबीपी न्यूज़ पर बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपकी प्रिय चीज़ से करना चाहूँगा, गिरिराज जी महाराज की जय। ऐसा लगता है कि गिरिराज जी की कृपा बनी हुई है और लगातार बनी है। बिल्कुल, गिरिराज जी की कृपा तो सभी पर बनती है, मेरे ऊपर भी है, आपके ऊपर भी है। मुख्यमंत्री जी, साल 2014 का नतीजा 25-0, साल 2019 का नतीजा 25-0, साल 2024 में उम्मीद 2019 और 14 की तरह 25-0, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कई सीटों पर कड़ा संघर्ष है। नाम भी बताए जा रहे हैं, झुंझुनू, चूरू, बाड़मेर, टोंक और सवाई माधोपुर, दौसा। आप क्या सोचते हैं, नतीजा क्या होगा? देखो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2014 में भी कई लोगों ने कहा था, 2019 में भी कहा था, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर लोगों को विश्वास है, इसलिए मैं कह सकता हूँ तीसरी बार हम हैट्रिक लगाएंगे, 25 में से 25 सीट बीजेपी की आएंगी। अशोक गहलोत के बेटे जालौर से लड़ रहे हैं, पूरा परिवार प्रचार में कूदा हुआ है, उनकी वैभव की पत्नी खुद मुख्यमंत्री, उसके अलावा उनकी मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री जी की पत्नी भी चुनाव मैदान में। तो आपको लगता है कहीं पर कोई कांग्रेस प्रत्याशी आपके प्रत्याशी के खिलाफ है? देखो, मैं बताऊं, ये तो पिछली बार भी जोधपुर में थे, यही वैभव गहलोत थे, जोधपुर में थे, यही प्रचारक थे। मैं आपको कहना चाहता हूँ, प्रदेश की जनता ने मन और मानस बना लिया कि हमें भारतीय जनता पार्टी को 25 की 25 सीट जितानी है, क्योंकि उनको भरोसा है। कांग्रेस हमेशा झूठे वायदे करती है, चुनाव के अंदर अफवाहें फैलाती है, उनको पता है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व जो कहता है वो करता है। अब अशोक गहलोत कल कह रहे थे, बोले ये सब पछताएंगे बाद में, नतीजे देख के जो जो लोग बीजेपी में गए उनको अफसोस होगा कि हम लोग क्यों गए। तो ऐसी स्थिति उनको क्यों लगने लगी? देखिए, मैं एक बात बताऊं, कांग्रेस हमेशा इन्हीं बातों का सहारा लेती है, उनसे किसने मने किया, लेकिन लोगों को लग रहा है कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, उसमें क्या करेंगे, तो लोग आ रहे हैं। कांग्रेस को छोड़ छोड़ करके जा रहे हैं, क्योंकि उनकी नीति और नियत नेता कोई भी ठीक नहीं है। मुख्यमंत्री जी, कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं आपके बारे में सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छी सी बात चल रही है, आम आदमी का मुख्यमंत्री, आम आदमी मेरा मतलब एक कॉमन मैन जो होता है उसका मुख्यमंत्री। कुछ दिनों पहले मैंने देखा कि ट्रैफिक लाइट्स पर आप एक आम व्यक्ति की तरह रुकने लगे। तो जब इस तरीके की चीजें सामने आती हैं, तो आपको लगता है कि वाकई में राजस्थान की 8.5 करोड़ की जनता से आप सीधे इंटरेक्ट हो पा रहे हैं, या जो आपकी एक छवि बन रही है आम आदमी का मुख्यमंत्री, उसको लेकर आप खुश हैं? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मैं एक कार्यकर्ता हूं, संगठन में लगातार मैंने काम किया है, तो कार्यकर्ता हूं तो मैं कार्यकर्ता की दृष्टि को मैं जानता हूं, पहचानता हूं, जनता के बीच में रहा हूं तो जनता की स्थिति को मैं देखता हूं। 2 दिन पहले अमित शाह साहब जयपुर में रोड शो कर रहे थे, आप भी मौजूद थे। मैंने अमित शाह जी से भी पूछा था कि राजस्थान की भजनलाल सरकार का इन चुनावों में कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है। उन्होंने जवाब दिया, मैंने कोशिश की थी आपसे भी ले पाऊं, उस समय आपने नहीं बताया, लेकिन आपको क्या लगता है कि आपके 4 महीने के कार्यकाल का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के पक्ष में साबित? देखो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, करते हैं वो कहते हैं। हमने हमारे जो हम चुनाव के अंदर जो संकल्प पत्र हम हमारा लेकर के गए थे, हमने 90 दिन के अंदर हमारा वो संकल्प पत्र हम 40 से 45% पूरा किया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो हमारी कई दशकों से जो हमारी पानी को लेकर के
या हमारी ERCP हो या हमारा यमुना का पानी हो, जो समस्याएं चल रही थी उनका समाधान भी हमने किया है। कांग्रेस के समय में जो पेपर लीक से लेकर के जिस तरह के काम हो रहे थे, हमने कहा कि हम SIT गठित करेंगे, वो काम भी हमने किया और आपके सामने हमने 85 से 90 लोगों को गिरफ्तार करने का काम भी किया है और हमने जनता के बीच में वायदा किया है। हमने कहा है कि कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, जो जांच के दायरे में आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। और हम आज भी कह रहे हैं कि जो युवाओं को जिन्होंने कुठाराघात किया है, युवाओं के साथ में युवाओं को आंसू निकालने का काम किया है, उनको हम छोड़ेंगे नहीं। सिंह साहब मुझे एक चीज बताएं, मैं कई बार इस चीज को मन में सोचता हूँ, मुख्यमंत्री आप भी हैं, सरकार चलाते वक्त गृह विभाग के मुखिया भी आप हैं, SOG भी आपके अधीन आती है। पिछली सरकार ने जब पेपर लीक हुए थे तब ये बात कही थी कि हम जांच कराएंगे, ये 80 लोग उस समय भी तो गिरफ्तार हो सकते थे, पेपर लीक होने उस समय भी तो रुक सकते थे, ऐसा क्या कमी रही, क्यों नहीं किया सरकार ने, इच्छा शक्ति की कमी थी या उसमें कुछ बड़े लोग शामिल थे, क्या वजह लगती है आपको? ये तो वही बता सकते नहीं, चूंकि अब आप जांच करा रहे हैं तो इसलिए ये सवाल बन। देखो मैं तो इतना कह सकता हूँ आपसे, मेरी SIT जांच कर रही है, अब तक 80 और 85 लोग गिरफ्तार किए हैं, आने वाले समय में और भी जो लोग होंगे उनको भी छोड़ने वाले नहीं है, चाहे कितने ही बड़े हो, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो। प्रधानमंत्री जी के पहले दौर की तरह इस बार भी लगातार चलते रहेंगे दौरे, या आपको लगता है कि दूसरी जो दौर की सीटें हैं वो कुछ आसान है, उनमें से ज्यादातर तो BJP के पक्ष में जाती दिख रही है? देखो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हम चुनाव पूरी तैयारी के साथ लड़ते हैं, जहाँ जहाँ जो आवश्यकता होती है वो हम करते हैं, अब भी किया और आगे भी करेंगे, जहाँ जैसी आवश्यकता होगी निश्चित रूप से करेंगे। लोग कहते हैं कि साहब रविंद्र सिंह भाटी को आपने समझाने की कोशिश की, निर्दलीय ये वो, तो ऐसे में आपको लगता है वो कोई नुकसान पहुंचाने की स्थिति में है BJP को? देखो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, राष्ट्रीय पार्टी है, हमारे मुद्दे अलग होते हैं, चुनाव के अलग हैं, और लोगों को सबसे बड़ी बात यह है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है और भरोसा पूरा है, यानी कि जो कहते हैं वो करते हैं, गारंटी यानी कि जो कहा है उसे पूरा होने की गारंटी। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी, आप ABP न्यूज पर आए, हमारी ओर से आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। तो JDU से मुंगेर के लोकसभा प्रत्याशी ललन सिंह आज नामांकन करने के लिए पहुंच रहे हैं और ये तस्वीर देखिए ललन सिंह के साथ जहां इस वक्त मैं खड़ी हूं जिस गाड़ी में, और आपको तस्वीरें दिखा सकूं तमाम समर्थकों की। सबसे पहले देखिए ललन सिंह इस बार एक बार फिर से दमखम के साथ तीसरी बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं, पिछली बार सांसद बने थे मुंगेर से, जनता ने इन्हें चुना था और भारी समर्थन, कहा जाता है कि JDU में अगर कोई नीतीश कुमार के बाद सबसे ज्यादा बड़ा बड़े कद का नेता है तो वो ललन सिंह है। और ये देखिए धीरे धीरे जैसे जैसे काफिला बढ़ रहा है वैसे वैसे ललन सिंह तमाम लोगों से, मुंगेर की जनता से आशीर्वाद लेते हुए, और क्या कहेंगे इस बार एक बार फिर से 400 पार का जो नारा है उसमें आपको आशीर्वाद मिल रहा है, क्या कहेंगे? 400 का लक्ष्य आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय किया है, उसका 10वां हिस्सा बिहार का लक्ष्य है और बिहार में हम लोगों का निर्णय है और जनता का मूड है 39 पार 40। वो नारा एक ही लगा नहीं, मोदी इसलिए कि मोदी प्रतीक हैं, इस देश के प्रधानमंत्री हैं और नेतृत्व वो कर रहे हैं देश का, तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रतीक हैं। अब विपक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं संविधान खतरे में है, तो संविधान खतरे में किसको, संविधान का खतरा किसको मानते हैं, कौन सा खतरा है संविधान का? संविधान में खतरा यही ना है कि CBI ED अपना काम कर रही है। CBI ED विपक्षी दलों पे ही काम क्यों कर रही है, ये भी तो सवाल है उनका। तो उनके पास कोई प्रमाण है किसी भाजपाई का तो वो दे, CBI के पास कौन रुका है? लेकिन CBI और ED तो अपनी जांच करती है, अपनी समीक्षा करती है और उसके आधार पर कार्रवाई करती है। सिंह को डर लगता है ED CBI से? कभी नहीं डरे हम लोग भी NDA से अलग रहे तो कहां मेरे यहां CBI,
कहाँ मेरे यहाँ ईडीआई, कहाँ नीतीश कुमार जी के यहाँ सीबीआई ईडीआई। तो जो जैसी करनी वैसी भरनी, तो अगर जैसा किए हैं वैसा अगर पा रहे हैं तो इसमें मोदी जी को क्यों दोष दे रहे हैं। संविधान बदलने की बात बार बार वो कह रहे हैं, उनको लग रहा है, विपक्षी दलों को लग रहा है कि नरेंद्र मोदी के आने से, सरकार में आने से एक कहीं ना कहीं दबाव है। ईडी सीबीआई को भी अगर हटा दे तो संविधान बदलने की ये जो बात है बार बार क्यों उठ रही है, क्या अगले 5 साल में ऐसा डर? दिमाग की उपज है ये, उनके दिमाग की उपज है, और कहेंगे क्या? आज तक 10 साल मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री रह लिए, तो मोदी जी पर कोई भ्रष्टाचार का तो आरोप वो लगा नहीं सके। उनकी सरकार थी मनमोहन जी की, मनमोहन सिंह जी की 10 साल, तो ये जितना आरोप वो लगाते हैं, विजय माल्या हो, नीरव मोदी हो, ये सब पैसा किसके समय में लेके भागा? डॉक्टर मनमोहन सिंह के जिस समय में, और आज आप उसका ठीकरा उन पर मढ़ रहे हैं, ऐसा कहीं होता है? हर खेत में ईआरसीपी का पानी पहुंचाने की जिम्मेदारी मोदी जी की है, ये मोदी का गारंटी है। भाई और बहनों, लोगों को छोड़िए, हमने तो पशुओं की भी चिंता की है। सारे पशुओं को राजस्थान में फ्री ऑफ कॉस्ट करोड़ों रुपया लगाकर टीका लगाने का काम किया, और देश में नई 2 लाख डेयरी बनाने का काम भी नरेंद्र मोदी सरकार कर रही है। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे कोटा के विकास को गति देने वाला है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत कोटा का रेलवे स्टेशन नया बनने वाला है, भव्य रेलवे स्टेशन बनने वाला है, और रामगंज मंडी स्टेशन को भी फिर से नया बनाने का काम हमारे बिल्ला साहब कर रहे हैं। परवन बृहद सिंचाई योजना, झालावाड़ 12 और कोटा के 600 गांव में पानी उपलब्ध कराया जाएगा। रामगढ़ में टाइगर रिजर्व बनाया गया है, नक्श सागर झील और जेद सागर झील के काम को स्वीकृति दे दी गई है। बूंदी दलेलपुर सड़क परियोजना से को भी वन विभाग से मंजूर किया गया है।